आप जितना लंबा समय रखते हो उतना फायदा होगा। जिसको पावर कंपाउंडिंग पावर कहते हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट का आठवां अजूबा है, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले मैं समझना चाहता हूँ सर आपसे, अनुप सर, ये जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बावजूद जो इक्विटी डेट फंड है और जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है और डेट म्यूचुअल फंड, ये जो गैप हो रहा है वो क्यों ऐसा हो रहा है और क्या इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है ताकि हमारे निवेशक इस चीज को और अच्छे से समझ सके। देखिए, प्रोडक्ट के हिसाब से तीन कैटेगरी है म्यूचुअल फंड में, इक्विटी है, डेट है और हाइब्रिड फंड है। तो अब इनमें से क्या है कि एक कैटेगरी जो नई उभर कर आई है डेट के अलावा, वो हाइब्रिड फंड की कैटेगरी आई है, जिसमें कि एक बैलेंस तरीके से इक्विटी और डेट में एक्सपोजर लिया जाता है। और हम लोगों ने देखा है कि इन्वेस्टर्स का रुझान उस कैटेगरी में भी काफी बढ़ा है। जहां तक डेट की बात है, डेट का पर्पज यही होता है कि आपको एक स्टेडी रिटर्न दे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे अगर आप सोचते हैं कि मुझे 10 साल के लिए या 25 साल के लिए वेल्थ कंपाउंड करनी है, तो डेट आपके लिए नहीं है। डेट आपके लिए है अगर आप सोचते हैं कि भाई मुझे एक महीने से 3-5 साल के लिए पैसा निवेश करना है और मुझे कुछ पार्ट ऐसा रखना है जिसमें कि वॉलेटिलिटी नहीं हो, मुझे हमारे फिक्स इनकम के जैसे रिटर्न मिले। तो वो कैटेगरी उस हिसाब से स्टडी रिटर्न देती है। फायदा इसका यह है कि बाकी के जो कन्वेंशनल आप इंस्ट्रूमेंट देखते हैं डेट के अंदर में, समझिए आपने बॉन्ड लिया या आपने फिक्स डिपॉजिट वगैरह लिया, तो उसमें आपको अपनी टेन्योर पहले से आइडेंटिफाई करनी है कि भाई मैं 2 साल के लिए पैसा डाल रहा हूं या मैं 1 साल के लिए डाल रहा हूं। म्यूचुअल फंड में आप चाहें तो 5 साल तक अपना पैसा रखिए, चाहिए तो आप 1 साल के बाद में निकाल लीजिए, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। दूसरी चीज ये है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर कि अगर आप 5,000 रुपए डाले या आप 500 करोड़ रुपए डाले, सबको सेम ट्रीटमेंट मिलता है, सबको सेम रिटर्न मिलता है। अगर आप बैंक डिपॉजिट में जाएंगे तो शायद वहां पे गैप होता है कि हायर डिपॉजिट के लिए अलग रेट होती है, छोटे डिपॉजिट के लिए अलग रेट होती है। तो ये एक अपने आप में बड़ा अच्छा विकल्प है। ये बात जरूर है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले कुछ जो 8 या 10 साल के अंदर में जिस तरीके से इन्वेस्टर्स का रुझान बढ़ा है इक्विटी फंड्स में और SIP में, उसमें इक्विटी फंड्स की ग्रोथ थोड़ी ज्यादा हुई है, पर फिक्स इनकम फंड्स भी ग्रो किए हैं। और फिक्स इनकम प्लस जो इक्विटी का कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड, वो कैटेगरी अपने आप में काफी अच्छा ग्रो करी है। तो मेरा हमेशा यही एडवाइस रहेगा कि आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेनी होती है। जो पैसा आपको जरूरत है अगले 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल के अंदर में, वो पैसा आप अपने थोड़े रिस्क फ्री ऑप्शंस में, डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर कंसिडर करें। लेकिन जहां आप चाहते हैं कि आपकी वेल्थ क्रिएशन हो लॉन्ग टर्म के लिए, वो पैसा आपको डेफिनेटली इक्विटी या फिर बाद में अग्रेसिव हाइब्रिड फंड या डायनेमिक या बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं, उसमें देखना चाहिए।